नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइसर का 22 HP सिंगल सिलेंडर का इंजन, और उसके साथ हमने कपल किया है स्वराज का 15 KVA 3 फेज का ऑल्टरनेटर। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑल्टरनेटर से। सबसे पहले ऑल्टरनेटर के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि ये 15 KVA का ऑल्टरनेटर है, RPM 1500 है, वोल्टेज 415 है, एम्पियर 21 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, फ्रेम RF 186 है, एक्साइटेशन एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री है, एक्साइटेशन वोल्टेज 120 है, एम्पियर 4.2 है, पावर फैक्टर 0.8 है, फेज 3 है। और इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात कर ले, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे आइसर का इंजन लगा हुआ है। तो ये आइसर का एग्रीकल्चर इंजन है, मॉडल 222ES है, सिलेंडर वंड है, बोर 115 है, स्ट्रोक 150 है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 1557 है, कंप्रेसर रेशियो 17+-2.1 है, गवर्निंग क्लास A2 है, PHP 22 है, RPM 1500 है, हाई आइडल 1560 है, लो आइडल 480 है, SFC 175 है, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, स्टार्टिंग हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हैंडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों इसमें आपको दिया गया है। एयर क्लीनर हैवी ड्यूटी ऑयल टैप लगा हुआ है, टैपेट क्लीयरेंस, इनटेक एग्जस्ट 0.10-0.15 है, बैटरी इसमें 12.12 वोल्ट 75 AH का लगा हुआ है, बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर 14.2 वोल्टेज 21 एम्पियर का लगा हुआ है, टोटल ऑयल कैपेसिटी 6.5 है, एयर क्लीनर में 1.1 लीटर ऑयल जाएगा आपका, फ्यूल टैंक 30 लीटर का है, वेट 350 kg है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 664x758x1288 है। तो जैसा कि आप इंजन देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे वीडियो में, बहुत ही शानदार और बहुत ही डिमांडिंग 22 HP का इंजन है ये आइसर का। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, सबसे खास बात इसकी ये है कि ये सबसे कम फ्यूल खाता है, लोड लेने की ताकत ज़्यादा है, सिंगल सिलेंडर है 22 HP में, दूसरी कोई कंपनी भी सिंगल सिलेंडर का इंजन नहीं बनाती है आइसर के अलावा, तो इसलिए ये डिमांडिंग है। और मल्टीपर्पज़ इंजन है तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये इसका चार्जिंग ऑल्टरनेटर है, कंपनी चार्जिंग ऑल्टरनेटर साथ में फिट करके देती है, अलग से कोई चार्जर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है बैटरी के लिए। ये इसका ऑयल फिल्टर हो गया जो कि 0.5 लीटर का है, उसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है जो पीला कलर का वायर आपको दिख रहा होगा, जो ऑयल प्रेशर आपको दर्शाता है। और ये इसका बगल में है उसका डिपस्टिक है, जहाँ से आप लूब ऑयल चेक करेंगे। तो एक एक चीज़ मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए कि आपके इंजन में क्या क्या लगा हुआ है, अगर 22 HP इंजन आप लेना चाहते हैं तो। यहाँ डिपस्टिक लगा हुआ है, यहाँ से आप लूब ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं और फिर अच्छे से वहाँ लगा दीजिएगा। और ये इसका चार्जिंग ऑल्टरनेटर हो गया, देख लीजिए पीछे कनेक्शन किस टाइप से किया गया, एक सेंसिंग का तार लगा हुआ है, एक पॉजिटिव तार लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, ऑटोलेक का ये चार्जिंग ऑल्टरनेटर है। ऑटोलेक का जो चार्जिंग ऑल्टरनेटर सेल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, इसका सर्विस भी आपको हर जगह पर मिल जाएगा। और ये इसका ब्लोअर हो गया, जैसा कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है तो ये ब्लोअर आपके इंजन को ठंडा करता है, इसमें फैन लगा हुआ होता है। तो बारीकी से मैंने वीडियो बनाया है, तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए और समझिए कि आपके इंजन में क्या क्या लगा हुआ है। और इसमें सिंगल बेल्ट लगा हुआ है, देखिए कि डंपर पुली से सिंगल बेल्ट बेल्ट का नंबर भी लिखा हुआ है, जो आपके ब्लोअर को ड्राइव देता है और आपके चार्जिंग ऑल्टरनेटर को ड्राइव देता है, सिंगल बेल्ट है मात्र। और ये इसका पैनल हो गया, पैनल में आपका स्टार्टिंग स्विच है, स्टॉपिंग वायर लगा हुआ है, बैटरी का बल्ब दिख रहा है आपका, और ऑयल प्रेशर का बल्ब है, इसमें आपका टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है और आवर मीटर लगा हुआ है। और इस कोई भी सामान अगर ख़राब हो जाता है तो बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, इसका पीछे का भी वायरिंग आप देख लीजिए, तो बहुत ही आसान है। कोई भी सामान अगर आपका फॉल्टी हो जाता है तो मार्केट से ला के आप खुद बदल सकते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है या किसी स्पेशलिस्ट आदमी की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका इंजन, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ।
और ये इसका टेम्परेचर स्विच है जो आपके लाइनर में लगा हुआ है। और ये आपका स्पीड कंट्रोलर हो गया, यहाँ से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो गोल वाला है, उसे घुमा घुमा के आप इंजन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो फिन्स आप देख रहे हैं, लाइनर का जो फिन्स है, इसी से हवा से ठंडा होता है आपका इंजन। और उसके ऊपर हेड है जहाँ पे एग्जॉस्ट आर मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट आर इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है। ये आपका टैंक का ऑन ऑफ स्विच हो गया, जहाँ से आप तेल को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये आपका ऑटो लॉक का सेल्फ हो गया, जहाँ कनेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, एक बैटरी का है और एक 8 नंबर का जो स्टार्टिंग स्विच है। ज़्यादातर ब्रांडेड इंजन में ऑटो लॉक या बॉस का सेल्फ और चार्जर मोटर लगा होता है, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टॉपिंग स्विच हो गया आपका, जब आप वायर खींचते हैं तो यहीं से इंजन स्टॉप होता है। और ये आपका ब्रीदर हो गया, और इंजन और ऑल्टरनेटर के दोनों के ऊपर आपका नेम प्लेट लगा होता है, तो उसे अच्छे से पढ़ लें आप। और इसका ब्रीदर हो गया, तो अब ब्रीदर का हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रीदर से आपका गैस निकलना चाहिए, क्योंकि जो इंजन के अंदर एक्स्ट्रा गैसेस तैयार होती है वो हमेशा ब्रीदर से निकलना चाहिए, नहीं तो अगर ब्रीदर जाम हो जाएगा तो इंजन से और भी सारी लीकेजेस इधर उधर से होने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ब्रीदर आपका ब्रीदिंग करता रहे, ऑयल नहीं आना चाहिए, गैस निकलना चाहिए। और ये आपका ड्रेन प्लग हो गया इंजन का, तो लेफ्ट साइड में आपका ड्रेन प्लग है, यहाँ से लूब ऑयल आप ड्रेन करेंगे सर्विस के टाइम में, और इसे अच्छे से फिर प्लग कर देंगे। टैपलॉन टेप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टैपलॉन टेप लगाने से लीकेज वगैरह एकदम नहीं होती है। तो प्रैक्टिस करें कि टैपलॉन टेप हमेशा लगाते हैं सर्विस के बाद। और ये आपका फ्यूल पंप हो गया, ये देखिए, ऐसे जैसे आप तार खींचते हैं ना ऊपर से, तो ऐसे स्टॉप काम करता है आपका। वायर लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये वायर खींचता है और आपका इंजन स्टॉप हो जाता है, और इससे आप इंजन की स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं यहाँ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट और इनटेक मैनिफोल्ड जो आपके हेड में लगा हुआ है, हेड के ऊपर टैपेट कवर है, टैपेट कवर के नीचे हेड होता है, हेड के नीचे लाइनर होता है, और ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड हो गया, जो हवा को ठंड, हवा एयर फिल्टर से हवा क्लीन होती है, उसके बाद आपके इंजन में जाती है। अगर डस्ट कैप लगा हुआ है आपके एयर फिल्टर में, अगर किसी गंदा होता है तो इसे इस तरह से खोल कर साफ कर फिर इसे लगा दीजिएगा, झाड़ के कपड़े से अच्छा साफ करके फिर इसी तरह से इसको लगा देना है। तो हर चीज़ मैंने बारीकी से आपको बताई है, तो किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगी आपके इंजन को मेंटेनेंस करने में। और ऑयल लेवल नीचे दिया हुआ है, कितना ऑयल इसमें आपको डालना है सर्विस के टाइम में। तो जब भी आप लूब ऑयल चेंज करें एयर फिल्टर का, इंजन का जब भी लूब ऑयल चेंज होगा उस समय एयर फिल्टर का भी लूब ऑयल चेंज होगा। और सारा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है कि आपको एयर फिल्टर का मेंटेनेंस कैसे करना है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी सर्विसिंग में और एयर फिल्टर के रखरखाव में। जैसा कि पैनल मैंने बताया, ये रेड वाला आप खींचेंगे तो आपका इंजन स्टॉप हो जाएगा। और ये आपका फ्यूल पंप हो गया, पंप से हाई प्रेशर पाइप निकल के सीधा आपके नोज़ल में जा रहा है। नोज़ल तेल जितना जलता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो आपके रिटर्न पाइप से सीधा आपके टंकी में जाता है, कहीं दूसरी जगह वेस्ट नहीं होता है, डीजल टैंक में ही वापस चला जाता है। और इसका ढक्कन हो गया फ्यूल टैंक का, तो इसे आसानी से खोल सकते हैं और इसे आसानी से लगा सकते हैं डीजल डालने के बाद। इसमें एक वाशर होता है, तो ध्यान दें कि वाशर गुम ना हो, नहीं तो आपका जो टैंक का जो कैप है वो अच्छे से टाइट वगैरह नहीं होगा। और आइसर का इंजन और स्वराज का ऑल्टरनेटर बहुत ही डिमांडिंग है, जितने भी लोग आइसर का इंजन लेते हैं उसमें स्वराज का ही ऑल्टरनेटर लगा कर मांगते हैं, क्योंकि स्वराज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, वो लोड पूरा लेता है। इसकी जो वाइंडिंग है प्योर कॉपर की है, वर्ल्ड क्लास का कॉपर का वायर उसमें यूज़ किया गया है।
और ये जो कपल हमने किया है वो कपलिंग आप देख लीजिए ध्यान से कि किस तरह से हमने इसे कपल किया है। तो कपलिंग दो तीन साइज़ की आती है, तो आपको जो लगेगा वो आप उसमें लगा सकते हैं। कपलिंग जो आप देख रहे हैं कि जो कपलिंग हमने इंजन में फिट किया है उसमें एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, तो एलेंकी आपके पास होना चाहिए जिससे आप एलेंकी बोल्ट को खोल सके और टाइट कर सके। एलेंकी नहीं होगी तो आप नहीं खोल सकते। और आपने फ्लाईव्हील का गियर देखा, उसी में आपका सेल्फ फिट होता है जिससे कि आपका इंजन स्टार्ट होता है। और ये आपका ऑल्टरनेटर जिसका नेम प्लेट है, नेम प्लेट को अच्छे से पढ़ लें। इसमें हुक भी है जिसे आप उठा के इधर उधर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटर और इंजन दोनों हेवी हो जाता है, तो इसे आपको लिफ्ट करके ही इधर उधर करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वराज का जो ऑल्टरनेटर तो सेमी ब्रशलेस होता है और PDPL का निशान होता ही है इंजन ऑल्टरनेटर में। जैसा कि आप PDPL का निशान देख रहे हैं स्वराज के ऑल्टरनेटर में, बहुत ही डिमांडिंग है और आपके बजट में है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका ऑल्टरनेटर और इसका इंजन स्वराज का होता है, PDPL स्वराज का। तो अगर आपको आइसर इंजन में लगाना हो ऑल्टरनेटर तो आप स्वराज का ही लगाएं। स्वराज का ऑल्टरनेटर आपको 3 KV से लेकर 82 KV तक अवेलेबल हो जाएगा और इस तरह से कपल होता है। तो आप जहाँ से आप कपलिंग ले उससे भी करवा सकते हैं, नहीं तो किसी भी मैकेनिक को बुला के कपल कर लीजिएगा, नहीं तो फैब्रिकेशन वाले को दे दीजिएगा इंजन, वो आपका फ्रेम भी बना देगा। जैसा कि मैंने बोला एलिंकी बोल्ट, तो एलिंकी बोल्ट इस टाइप का लगा हुआ है, तो आपको एलिंकी रखनी पड़ेगी, एक एलिंकी खरीद लीजिएगा। इसमें टायर कपलिंग लगा हुआ है, ये ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा अच्छा होता है कपलिंग करने के लिए। और इसमें 0.5 लीटर का 2 डीजल फिल्टर और 1 लूब ऑयल फिल्टर लगा हुआ है 1 लीटर का, तो सर्विस के टाइम में। और जो एयर फिल्टर है ऑयल बार टाइप का है, तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, सर्विस में आपको बहुत पैसे बचने वाले, क्योंकि स्पिन ऑन टाइप का फिल्टर नहीं है, कार्डेज टाइप का है, तो फिल्टर आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, जो पैसा लगेगा लूब ऑयल का ही लगेगा। इसीलिए 22 HP का इंजन बहुत डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ इंजन है, तो इसे आप जनरेटर बना सकते हैं, पंप डीजल पंप यूज़ कर सकते हैं, इसे आप ईट भट्ठों में यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर में लगाकर, मतलब मल्टीपर्पज़ इंजन है, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इंजन को 4 बोल्ट पीछे और आगे 2 बोल्ट, 6 बोल्ट इंजन में लगते हैं फाउंडेशन में टाइट करने के लिए, और अल्टरनेटर में 4 बोल्ट लगते हैं। और इसका चैनल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का चैनल आता है वो चैनल हम यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सालों साल चले, मतलब धूप बारिश गर्मी कहीं भी पड़ा रहे लेकिन वो चैनल को कुछ ना हो। अच्छी क्वालिटी का चैनल नहीं लेगा तो वो सड़ जाएगा। जब हम इतना महंगा इंजन ले रहे हैं, ऑल्टरनेटर इतना महंगा ले रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का चैनल भी यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आइसर इंजन चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह की सहायता की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प ज़रूर करें। और जैसा कि आप लिफ्टिंग इंजन के टैपेट कवर के बगल में हुक दिया गया है जिससे आप इंजन को इधर उधर उठा के लेके जा सकते हैं। तो एक एक चीज़ मैंने बहुत बारीकी से आपको बताया है और दिखाया है कि आपको समझ में आए। अगर आपके पास 22 HP का इंजन है तो क्या क्या उसमें पार्ट्स लगा हुआ है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ, किस टाइप का इंजन है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ आपको बारीकी से बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो और नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।